देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। एक ही फ्रेम में दोनों ओवैसी भाई अफरुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन दोनों ही हमारे साथ है। अभी जिस तरीके से प्रचार चल रहा है जोर पकड़ रहा है और दोनों इस वक्त जो है पदयात्रा करते हुए प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो अकबरुद्दीन आपकी सेहत कैसी है और लोग देख रहे हैं हम आपके तीन तीन चार चार घंटे जो है पैनल द्वारा होना। यहाँ ठीक है, सेहत काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है प्रचार पिछले बार से इस बार? हर बार एक काम बढ़ता जाता है, हर टर्म में आवाम का एतमाद और मेजोरिटी ज्यादा होती रही है। इस मरतबा भी यकीन है कि आवाम का एतमाद और मेजोरिटी और बढ़ेगी। कैसे मुद्दे हैं, क्योंकि एक मुद्दा तो हम बहुत लोगों से सुन रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उससे लोग काफी खुश हैं, लेकिन कैसे कैसे देखते हैं आपको लगता है कि क्या विकास के नाम पर एजुकेशन तक की सीमित रखना चाहिए? फ्रॉड कैसे काम आपको करने की? जब आप डेवलपमेंट्स को देखते हैं कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर हुआ है तो करीब 14,000 करोड़ का काम हुआ है। फ्लाईओवर जब आप ठहरे हैं फ्लाईओवर के नीचे, ये भी डेवलपमेंट है। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का एक्सटेंशन हुआ है। फिर अंडरपास है हमारे पास और ओवैसी हॉस्पिटल का फ्लाईओवर है। रोड वाइंडिंग से सबसे ज़्यादा हुई है हमारे पास और रोड्स का काम हुआ है, तो काफ़ी काम हुआ है, ऐसा नहीं है। और फिर मैं खुद अपनी तरफ से नहीं, बल्कि आप जाकर देखिए फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस है, वहाँ पे 42 करोड़ से पूरा KG to PG कैंपस बन रहा है विद 1 स्टेडियम एंड प्ले ग्राउंड एज वेल, तो काम हो रहा है। अच्छा, एक चीज है जो आपके विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि परिवारवाद है, ओवैसी परिवार है, लोग इसलिए वोट करते हैं, कैसे देखते हैं आपको लगता है कि परिवारवाद क्योंकि हम देख रहे हैं आपके बेटे भी जो है वो भी दिख रहे हैं इस वक्त प्रचार के नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए कि हर वक्त मेजोरिटी बढ़ती जा रही है, तो हमारा काम है, हमारी कारकर्दगी है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं मुझे रिकग्निशन मिला और मैं रिकग्नाइज हूँ सिर्फ और सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से और मेरी पार्टी मंत्री सत्यनारायण जमीन की वजह से और मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी की वजह से, मगर हम काम कर रहे हैं और हमारा काम सबके सामने, इसलिए इतने लोग आज खड़े हैं हमारे सामने। पब्लिक रैलियों से ज्यादा जो है पदयात्रा पर आप जा रहे हैं, पिछले बार भी हमने देखा कि पैदल दौरे हो रहे थे। हम दोनों चीजें करते हैं, सुबह और शाम पदयात्रा करते हैं, फिर शाम में 10 बजे से पहले पब्लिक मीटिंग्स भी करते हैं, फिर रैली भी करते हैं, बिल्कुल बैलेंस तरीके से हम करते हैं, दोनों चीजें करते हैं। लोगों से क्या रिएक्शन मिलती, सबसे अच्छी और सबसे बुरी जो आपको लगता है कि हाँ इस पे मुझे काम करना चाहिए? नहीं, जो रिएक्शन मैं इस इलेक्शन में देख रहा हूँ कि जब पहले इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त लोग मुझे बोलते थे कि सालार का बेटा है, ओवैसी साहब का लड़का है, इलेक्शन में आया है। उसके बाद में अकबर ओवैसी कहने लगे कई दिन तक। अब जब मैं फिरता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे लोग और बिल्कुल उस छोटे बच्चे अकबर सर बोलते हैं, तो प्रॉब्ली ये हमारा एजुकेशन का सक्सेस स्टोरी है कि अकबर सर मासूम बच्चे बोलते हैं। अब आपके बेटे तैयार हो रहे हैं चुनाव के लिए, इस बार सोच रहे थे कि उनका नाम आएगा, कितने तैयार है वो और कैसे आप उनको प्रचार में लेकर आ रहे हैं, तो कितना उनको वो आप लोग की सोच थी, आप लोग लिख रहे थे, हमारा तो कोई इरादा नहीं था। लेकर आएंगे उनको राजनीति में, वक्त बताएगा वो तुम्हें। आपके साथ घूम रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप उनको, सीइंग माय हेल्थ कंडीशन एज़ ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ ऑलवेज़ देयर मी इफ नीडेड एंड रिक्वायर्ड, ही विल बी देयर बीसाइड मी। आपके बड़े भाई होने के नाते जब आपके साथ खड़े हैं तो प्रचार में कितना और जोर लगता है आपको लगता है? जी मुझे मेरे प्रचार में जरा मुझे मेहनत कम हो जाती है बड़े भाई।
हटो भैया रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स, महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।